शिवसेना नेता विजय चौगुले ने प्रस्तुत किया एसआरए प्लान, चिंचपाड़ा की झोपड़ियों की जगह बनेंगी बहुमंजिली इमारतें। अनात्राय जी उभे करत नाही, मग ते तुटले जातं, मग स्वप्न भंग होतं। 2022 एंडिंग पर्यंत मी नारळ फोडणार म्हणजे फोडणारच। तस्वीर में दिख रहा एसआरए का यह एक ऐसा प्लान है जिसके जरिए दीघा क्षेत्र के चिंचपाड़ा ही नहीं बल्कि नवी मुंबई की झोपड़पट्टियों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। दरअसल राज्य सरकार ने हाल ही में 8 महानगर पालिका और 7 नगर पालिकाओं में एसआरए के गठन और 200 करोड़ के बजट प्रावधान की मंजूरी दी है। शिवसेना नेता विजय चौगुले ने इस योजना की शुरुआत अपने प्रभाग से कराने एक नया डेवलपमेंट प्लान तैयार कराया है। इसका प्रस्तुतीकरण करते हुए उन्होंने दावा किया कि इससे चिंचपाड़ा के झोपड़ी धारकों को 525 स्क्वायर फुट का ऐसा मकान मिल सकेगा जो वैध भी होगा और जिसके मालिक भी वे खुद होंगे। मध्ये फायदा एक होतो की आजपर्यंत जे अनधिकृतपणे यांच्यावरती शिक्का बसलेला आहे तो अनधिकृतचा शिक्का त्यांचा पुसला जाईल। आणि आज जर आपण नवी मुंबईमध्ये जर पूर्व आणि पश्चिम पकडला गेला तर ज्या भागामध्ये सिडको भागामध्ये जो आज फ्लॅटला रेट आहे आज या ठिकाणी जर ते घर झालं तर त्यांना तीच प्राईस त्यांना येईल। आज झोपडपट्टीमध्ये काही लोक झोपडपट्टी विकतात तेव्हा 9-10-12 लाखापर्यंत जातं, पण उद्या हे जरी ते 300 कार्पेट घेत गेल्यानंतर आपण 500-125 त्याचा बिल्टअप पकडतो, जर तेवढा एरिया झाला तर त्यांना ती प्रॉपर्टी त्यांची 5-50 लाखाची होईल आणि ऑफिशियली ऑथोराईजली त्यांच्या मालकीची होईल। हा त्याच्यापासून फायदा आहे महत्त्वाचा। गौरतलब है कि चिंचपाड़ा MIDC की 1,41,475 वर्ग मीटर जमीन पर बसा है। 2018 के सर्वे के अनुसार यहाँ 2,967 मकान और 235 दुकानें हैं जबकि 3,202 टीनेंट रहते हैं। विजय चौगुले ने कहा कि यदि थाने में एसआरए कार्यालय प्रारंभ होता है तो वर्ष 2022 तक चिंचपाड़ा की झोपड़ियों की जगह ऊंची ऊंची इमारतें बनाने का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। शिवसेना नेता ने कहा कि सीएम, पालक मंत्री, हाउसिंग मिनिस्टर सब मदद कर रहे हैं। उन्होंने योजना को जल्द साकार करने अपने विरोधी दल के स्थानीय विधायक गणेश नाइक से भी सहयोग का आह्वान किया। आता टोटली जर लागू झालेली आहे त्याचं संपूर्ण GR वगैरे सर्व निघालेलं आहे। आता लवकरात लवकर ठाण्यामध्ये तुम्हाला मी ते नोटीस दिलं होतं की 200 करोडची त्याच्यासाठी तरतूद पण केलेली आहे। जे चॅलेंज घेतो आम्ही ऑथोराईजली चॅलेंज घेतो आणि आम्ही ऑथोराईजली उभे करतो। अनऑथोराईज उभे करत नाही मग ते तुटलं जातं, मग स्वप्न भंग होतं। ह्याच्यात राजकारण करायचं नाही, आम्हाला विकास करायचा नाही। आम्ही विकासाची गाजर आम्ही कोणाला दाखवत नाही, आम्हाला फक्त विकास आम्ही दाखवतोय की हे होणार आहे। त्याच्याबरोबर इथं स्थानिक आमदार म्हणून त्यांचं पण आम्ही सहकार्य घेणार। मी माझी चॅलेंज दिले चिंचपाड्याकडे 2022 पर्यंत हे जर मानव SRAचं ऑफिस लवकरात लवकर जर झालं तर लवकर त्याची मान्यता घेऊन 2022 एंडिंग पर्यंत मी नारळ फोडणार म्हणजे फोडणारच। 21 मधले काय 28-30 मधले जसं ते प्लॅन मध्ये ते बसेल त्या पद्धतीने आम्ही ते करणार। फिलहाल देखना होगा की 2015-16 में फेल हो चुकी स्लम सुधार परियोजना 2021 और 22 में सफल होती है या सिर्फ ख्याली पुलाव बनकर रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।